हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे की अपनी सुबह, अभी सुबह मैं नहाने जा रही हूँ। घर का सब काम हो चुका है और मैं यहाँ पे खड़ी इनसे कुछ बातें कर रही थी, तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखिए क्या बातें हो रही हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। कुछ ज़रूरी ही टॉपिक है जिस पर बातें हो रही थी। देखा आप लोगों ने, अब ये यहाँ पे कुछ ही देर में निकल जाएंगे ऑफिस और मैं अब करूँगी अपना अगला काम। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। मेरी इनसे देखिए हसी मजाक चल रही है, अभी बंदी ऑफिस के लिए तैयार ही हो रहा है। मेरी ये सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कितनी देर आएंगे, बातें कर रहे थे और ये जा रहे हैं। तो देखिए जा रहे हैं, इनका मास्क वास्क लग गया है और ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। तो ये यहाँ पे जा चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ अगला काम करने। यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा अभी सोकर उठा है, तो आया था और पूछ रहा था मम्मा पापा कहाँ गए। वो ना सुबह उठता है, तो अगर इनके जाने से पहले नहीं उठ पाता है तो पूछता है पापा कहाँ गए। वो मुझसे पूछता है, बोलता है कि आपने मुझे जगाया क्या नहीं। तो वही मैं उसको प्यार कर रही हूँ। और अभी सो के उठा है, बच्चे वैसे भी जब सो के उठते हैं तो थोड़े बड़े मायूस से लगते हैं। तो वही मैं उसको गोद में लिए प्यार कर रही हूँ। मैं उससे कहा कि चलो आप थोड़ी देर लेटो, उसके बाद मैं नहा के आऊँगी तो आपको चाय बना के दूँगी। ये देखो यहाँ पे उसको रिटाने के लिए क्या हो रहा है, किसी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और आप थोड़े से अपने बाल को सही करूँगी और अपना काम करूँगी। यहाँ पे मैं भगवान ने हिला रही थी तो छत पे तुलसी में पानी चढ़ा के आई थी। देखिए मेरा कुछ काम हो चुका है, मैं अपने बाल सही कर रही हूँ। अभी देखते हैं आगे क्या काम करते हैं। और हाँ, आज मैंने बनाई थी घर में राजस्थान की मिठाई होती है ना घेवर, तो बनाने की कोशिश की थी। तो देखते हैं आगे कि बनती है कि नहीं बनती। मेरा मेकअप समाप्त। आज मेरे पापा को गांव से आना था तो वो अभी आए हुए हैं जस्ट, और उनके आने से बच्चे बहुत खुश हैं। यहाँ पे वो आए थे ना तो उनके दांत में दर्द हो रहा था, तो वो रास्ते से दवा लेकर आए थे। तो यहाँ पे बोल रहे थे हमें पानी दो, हमें दवा खाना है। देखिए वो दवा खाने जा रहे हैं, तो मैंने उनके लिए पानी दिया। और ये आदत है ना कि आते ही उनको चाय जरूर चाहिए, वो चाहे जहाँ जाए उनको आने के बाद चाय जरूर चाहिए। नीचे चाय और पीछे वो थोड़ी लेट गए। और ये मेरा छोटा वाला बेटा है, ये देखो यहाँ डिब्बा कटोरी लिए खेल रहा था। उसके बाद इसने क्या किया, खुद ही कैमरा लगाया और देखो यहाँ बेबी सीडी पढ़ रहा है। उसको भी वीडियो बनाने की शौक लग रही है। देखो उधर बड़ा वाला खड़ा है, वो उसको बार बार देख रहा है, ऐसे कह रहा चुप रहो आप नहीं बोलो। तो देखिए उसको जो भी आता है, जो भी उसको समझ में आ रहा है वो बोल रहा है। अभी उसको ये है ना, आपके बच्चों को कोरोना की वजह से स्कूल नहीं गए, बहुत लॉस हुआ बच्चों का। फिर भी जो भी मैं पढ़ाती हूँ घर में तो थोड़ा थोड़ा आता है, तो वही बैठ के कैमरे के सामने बोल रहा है।
ये देखिए मैं बनाने जा रही थी राजस्थान की मिठाई घेवर, बहुत ही फेमस मिठाई है राजस्थान में। तो यहाँ पर पहले मैंने आप लोगों को, और मैं रिकॉर्ड करने के लिए भूल गई थी, मैंने यहाँ पे कम से कम 4 चम्मच वो क्या बोलते यहाँ पर मैंने कम से कम 4 चम्मच घी लिया था। ये जो चम्मच है इसी चम्मच से, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं यूज किया, मैंने कहा अगर मैं बना नहीं पाऊँगी तो प्रॉब्लम होगी, मेरा सब वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं, बस 4 चम्मच घी लिया था और उसमें थोड़ी सी वाइस को डाला, सॉरी यार आइस को डाला था। तो उसको डाल के मैंने मिक्सर में धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी देर में चलाया, उसके बाद आपको दिखाया था मैंने कैसा पेस्ट बना हुआ है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, तो ये देखिए मैंने आधी कटोरी के करीब इसमें मैदा डाल दिया था। मैंने बोला ना मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने सोचा अगर नहीं बनेगा तो सब बेकार हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कम से कम 1.5 चम्मच बेसन डाल दिया था, बेसन डालने से ना घेवर में थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है। तो ये देखिए अब मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर में, और हाँ एकदम ठंडा चिल पानी यूज़ करना चाहिए, अगर आप चिल पानी यूज़ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गर्म होगा तो आपका घेवर बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने ठंडा पानी डाल के थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी करके हाथ जैसे मिक्सी है ना, आप कम से कम 2-3 मिनट तक आपको चलाना पड़ता है, पर वो 2-3 मिनट इकट्ठा नहीं, जैसे आपने 5 सेकेंड चलाया तो 5 सेकेंड के लिए रोक दीजिए, फिर 5 सेकेंड चला दीजिए, फिर रोक दीजिए। इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला और मिक्सी को बार बार चलाया, तो हमारा अच्छा खाने में पेस्ट बन के तैयार हो गए थे। और उधर मैंने, मेरे पास भगोनी नहीं थी छोटी, मेरे पास जो मेरे यहाँ जो भगोने हैं वो बड़े हैं, तो मैंने फ्राईदान निकाला। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, बट मैंने फ्राईदान निकाला। उधर देखिए वो पेस्ट रखा हुआ है जो मैंने बनाया था। मेरी मैंने सबसे बड़ी गलती जानते क्या की थी, मेरा बर्तन जो था ना वो छोटा था, और घेवर के लिए शायद बर्तन ज़्यादा लगता है, बड़ा थोड़ा मतलब अगर वो ऊपर को आए तो इसके बाहर को ना फेंके, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, मैंने पहले ही बार बना के देखा था। तो मैंने जब उसमें पेस्ट डाला ना तो तेल ने अचानक से ऊपर पूरा फेंक दिया, बट मेरे 2-3 घेवर बने थे, 2-3 तो अच्छे बने थे, पर लास्ट वाला पता नहीं क्यों टूट गए थे। देखिए बढ़िया जालीदार घेवर बन के तैयार हुआ है, और घेवर बनने के बाद मैंने जो सामान बना के रखा था और तो इन लोगों ने क्या किया, मिला के खुद ही खा डाला। और ये देखिए मेरा घेवर बन के तैयार हो गया। उधर मैंने दूध पहले चढ़ा दिया था, दूध में थोड़ा सा ब्रेड डाल के, ए अच्छी सी वो बोलते हैं ना क्या रबड़ी, अब इतना दूध तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने थोड़ी सी ब्रेड डाल के रबड़ी टाइप में बना के तैयार कर ली थी। ये देखिए मैं इसको डेकोरेट उतने अच्छे से नहीं हो पाया, बट मैंने जैसा ट्राई किया था पहले कि मैं लाओ बना के देखती हूँ मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ठीक बना था। और यहाँ पर मैंने रात में इसको थोड़े से बादाम रखे थे मेरे पास, मैंने डाल के सजाया और सबको दे दिया, सब लोगों ने बड़े प्यार से खाया, इधर मैंने भी खा